स्वागत है बच्चों। ये है हमारा सेवेंथ लेसन एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट। ओके, वाराणसी लेसन अलोंग विद द एक्सरसाइज सेकेंड पार्ट। और देखें, और ये है हमारा तीसरा यूनिवर्सिटी, फेमस तीसरा यूनिवर्सिटी, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय काशी का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय है। दिस इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश वाराणसी। पहले इसे केवल काशी विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता था। बिफोर दिस वॉज कॉल्ड एज अ काशी विद्यापीठ। ओके, किंतु बाद में लेटर इसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुनः समर्पित किया गया और उनका नाम इनके साथ जोड़ दिया गया। देन लेटर ऑन दिस इज हैंडेड ओवर टू महात्मा गांधी, एंड आफ्टर महात्मा गांधी फॉर ट्रेजरी और इन द नेम ऑफ द महात्मा गांधी, देन आफ्टर दैट इट हैज बीन नेम्ड एज अ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, और इसे कब स्थापित किया गया था, साथ जोड़ दिया गया था, 95 में इसे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, तिब्बती बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक विशिष्ट उच्च शिक्षण संस्थान है। तिब्बती संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण करने के लिए उद्देश्य से इसकी स्थापना वर्ष 1961 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और H.H. 14 दलाई लामा के बीच संवाद के फलस्वरूप हुई। सो दिस यूनिवर्सिटी इज रिगार्डिंग द तिब्बती संस्कृत, द कल्चर ऑफ अ तिब्बती पीपल, द कल्चर ऑफ द तिब्बती स्टेट एंड द कल्चर्स ऑफ द पीपल रिलेटेड विद दिस यूनिवर्सिटी, एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड इन 1967 बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड H.H. 14 दलाई लामा। Okay, so after the discussion of these two people, that is Jawaharlal Nehru and Dalai Lama, it has been formed as a university for the Tibeti people. Not only for Tibeti people, it gives the cultures of the Tibeti people. Okay, चलते हैं next, क्या है हमारे लिए? यहाँ दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बच्चों, यहाँ पर दशहरा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दशहरा के दिन रावण का एक बहुत बड़ा मूरत, या तो जो ये है ना, इसका क्या कहते हैं, रामचरितमानस में बताया गया था, इसमें श्री राम ने जब रावण को मारा था उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। रावण का एक बहुत बड़ा स्टैचू जैसे लाइक बनाते, नॉट बाय द mud or the stone, this is made by the carpets or something else which can burn. Okay, so they will burn the Ravana on that day. This is celebrated this celebration is very famous in Kashi. And here tabla vadan, ye hai bahut famous tabla vadan, inka naam hai Pandit Ram Sahaye. When he was 5 years old, he started to learn tabla vadan, and he is one of the famous, the Kashi is one of the famous state where the tabla vadan is very famous. The tabla beat is very famous, and apart from this, the other states or places are Delhi, Lucknow, Farrukhabad, Ajrada, Banaras or Punjab. यहाँ इन क्षेत्रों में तबला वादन बहुत ही फेमस है, और बहुत फेमस तबला वादन वाराणसी के हैं राम सहाय पंडित जी। When he was 5 years old, he started to learn तबला। और यहाँ का प्रमुख आकर्षण काशी विश्वनाथ मंदिर है।
दिस इज काशी विश्वनाथ मंदिर, वन ऑफ द आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगस, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग इज देयर एंड दैट्स व्हाई दिस इज दिस प्लेस इज अ वेरी सैक्रेड प्लेस। ठीक है, और कुछ बताना है क्या? मैं बहुत स्पीड जा रही हूँ, चलते हैं, जस्ट रिविजन ओनली नो। ओके, संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट, संकट इज अ प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम कम्स टू अस व्हेन वी गो टू, इट इज बिलीव दैट व्हेन वी गो टू दिस टेम्पल, संकट मोचक, संकट इज अ प्रॉब्लम, मोचक इज रिलीव फ्रॉम दैट, सो ऑल आवर प्रॉब्लम्स वुड बी रिलीव्ड। ठीक है, मोचक हनुमान मंदिर जो असी नदी के नजदीक है, दिस इज नियर टू द असी नदी। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वाराणसी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी पवित्र तीर्थ है, दिस इज वन ऑफ द फेमस प्लेस एंड ट्रैवलर्स कम्स टू दिस प्लेस बिकॉज ऑफ दिस टू ओनली, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म इज ऑल्सो अ वेरी सैक्रेड प्लेस। ओके, देन वाराणसी संस्कृति कला साहित्य के धन से परिपूर्ण है, दिस इज फिल्ड विद द कल्चर आर्ट एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और द हिस्टोरिकल एंशियंट दैट इज व्हाट टू से द वेरी विच इज रिटन मोर अबाउट द काशी, अबाउट द काशी एंड द वाराणसी वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंशियंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज द वाराणसी लेसन, नाउ वी आर गोइंग टू enter inside our exercise. See following question answers. Varanasi kab swatantra rajya bana aur baad mein kab kiska kendra raha? When it has become a independent state and later on how under which people it was the under what this has become as a center? What for it has become a center? Varanasi 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र काशी राज्य बना, इन 18th सेंचुरी इट हैज बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन, अंडर द ब्रिटिश रूल दिस हैज बिकम अ सेंटर फॉर द बिजनेस एंड द धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस। ओके, वाराणसी के प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम, द इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी नेम्स, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तिब्बती अध्ययन संस्थान, सो दीज आर द फोर मेन यूनिवर्सिटीज विच इज देयर इन द उत्तर प्रदेश। यह शहर किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर व्हाट एंड ऑल थिंग्स, दिस सिटी इज फेमस फॉर व्हाट एंड ऑल थिंग्स। यहाँ दशहरा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, दशहरा इज celebrated very grand manner। यह शहर तबला वादन के लिए प्रसिद्ध, this is famous for तबला वादन। वाराणसी पवित्र मंदिर, this is famous for the temple, holy temples। पुराना वाराणसी शहर कैसा था? How was the old Varanasi city? पुराना वाराणसी, see this is written as a पुराण, actually पुराना, wait change or else you will also do this। धन्यवाद बच्चों इंतजार करने के लिए। ओके, पुराना वाराणसी शहर कैसा था? हाउ वॉज द ओल्ड सिटी ऑफ द वाराणसी? पुराना वाराणसी शहर भीड़ भाड़ वाली संकरी गलियों और किनारे पर छोटी छोटी दुकानों व मंदिरें थी। द ओल्ड वाराणसी वॉज कवर्ड विद भीड़, भीड़ इज अ क्राउड, भीड़ मीन्स क्राउड, इट इज वेरी क्राउडेड सिटी एंड देयर वर वेरी स्मॉल एंड नैरो streets and along the sides of the streets there would be small shops, dukane and mandir, temples। okay, then next kya hai hamare liye, fill in the blanks, ye hai aapka lesson 7, fill in the blanks। British shasan ke samay mein kashi ko bahut prasiddh prapt ho chuki thi। During the British rule, Kashi has got a very famous place. It has become very famous. British शासन के अधीन यह
एक प्रमुख रूप से व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। अंडर द ब्रिटिश रूल दिस वॉज फेमस फॉर व्यापारिक बिजनेस एंड धार्मिक। वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। इट हैज गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड इन वाराणसी। त्योहारों में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सो दिस दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, धूमधाम ग्रैंड मैनर। दशहरा इज अ दशहरा फेस्टिवल एंड इट इज सेलिब्रेटेड देयर। ओके, पंडित राम सहाय ने 5 वर्ष की आयु से तबला वादन आरंभ कर लिया था। सो पंडित राम सहाय ने कब तबला वादन शुरू किया था? 5 वर्ष की आयु में। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है माँ, इसे आप अपने बुक से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मेक सेंटेंसेस, शिक्षा एजुकेशन, गोल्डन गेट्स की शिक्षा बहुत अच्छी है। द एजुकेशन ऑफ अ गोल्डन गेट्स इज वेरी नाइस। संस्कृति कल्चर, मुझे तमिलनाडु की संस्कृति बहुत पसंद है। आई लाइक द कल्चर ऑफ तमिलनाडु। प्रसिद्ध फेमस, वाराणसी मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वाराणसी इज फेमस फॉर द टेम्पल। पवित्र होली, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा इज वन ऑफ द होली रिवर। कला आर्ट, वाराणसी संस्कृति कल्चर साहित्य हिस्ट्री और कला के लिए प्रसिद्ध है एंड इट इज फेमस फॉर द आर्ट। हो गया बच्चों, फिर मेक सेंटेंसेस आप अपने बुक में कॉपी कर लीजिए, इसे क्लास वर्क में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, देन दिए गए उपसर्गों से 2 शब्द बनाइए। प्रीफिक्स, दे आर गिवन द प्रीफिक्स, वी हैव टू मेक 2 वर्ड्स आउट ऑफ दिस। ओके, अति, अति इज अ प्रीफिक्स, यूजिंग दैट प्रीफिक्स वी हैव रिटन अतिरिक्त अतिशीघ्र। अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, अतिशीघ्र वेरी फास्टली। नीर, निर्जीव, निर्जीव, निर आना चाहिए इसमें, निर, निर्जीव, निर्गुण, निर्जीव। निर्जीव का अर्थ है जिसमें जीवन ना हो, विच इज डाइड, जिसमें जीवन ना हो। ओके, जीव मीन्स लाइफ, निर्जीव मीन्स विदाउट लाइफ, नो लाइफ, दैट मीन्स डेड। ओके, निर्गुण, निर्गुण मीन्स, गुण मीन्स गुड हैबिट, निर्गुण मीन्स विच हैव नो गुड हैबिट्स, विच हैव नो हैबिट्स। ओके, नो गुड हैबिट्स। अन, अनजान, अनमोल, अनजान, अनजान का मतलब है अननोन, अननोन पर्सन, विच इज which we cannot recognize, the person which we are not aware of, we doesn't know them before. Okay, then anmol, anmol is a very costly things, very costly. Swabhav, swagat, swabhav is character and swagat is welcome. Next है हमारा लिंग बदलिए। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बिलाव, बिल्ली, बिलाव इज अ मेल कैट, बिल्ली इज अ फीमेल कैट। माली, मालिन, माली द गार्डनर, मालिन शी गार्डनर। औरत, विमेन, आदमी, मैन। अध्यापक, अध्यापक, टीचर, मेल टीचर, अध्यापिका फीमेल टीचर। भगवान गॉड, भगवती गॉडेस। नेक्स्ट है निम्न शब्दों के वचन बदलिए। साड़ी, साड़ियां, सैरी, नदी, रिवर, नदियां, लोटा, वेसल, लोटे, कुर्ता, द टॉप्स, कुर्ते, चिड़िया, बर्ड, चिड़िया, बर्ड्स, कन्या, फीमेल, अ गर्ल, कन्याएं। ओके, मैच्योर्ड गर्ल। ओके बच्चों,
मिलते हैं हम अपने रिवीजन में लेसन 6 एंड 7 का। धन्यवाद।